बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सहर्स किचन। आज मैं आपको बीफ पाई बनाना सिखाऊंगी अपनी मामा के स्टाइल में। और ये थोड़े है कि इसमें टाइम लगता है बनने में, लेकिन इसका टेस्ट ऐसा होगा कि आप कहेंगे कि वाकई ही बहुत कोई चीज़ अच्छी सी तैयार हुई है। आप इसको जल्दी से भी बना सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, बल्कि आप ट्राई करके भी देख लीजिएगा। मैं आपको दोनों मेथड बता दूंगी, लेकिन ये है कि उन टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा जैसे आप रेस्टोरेंट एंड बाजार से खाते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है। एक मीडियम साइज प्याज ले रही हूँ, उसको स्लाइस में काट लिया। एक टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर आप अपने हिसाब से डाल लें। 17 से 20 लहसुन के जवे ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी अदरक गार्निशिंग के लिए, नमक हंस पे जाएगा, और 4 मीडियम टमाटर ले रही हूँ और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आजकल टमाटर के छिलके जो हैं वो गलते नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2 किलो बीफ पाया ले रही हूँ जी। ये देखिए मैंने कढ़ाई में पाए डाल दिए हैं, और आपने इस तरह इसको बड़े बर्तन में बनाना है ताकि वो अच्छे से पकते हैं, क्योंकि आप तंग बर्तन में बनाएंगे तो ज़्यादा गल भी सकते हैं और इसमें मज़ा नहीं आता। तो उसको आपने खुले बर्तन में बनाना है, कुकर में भी आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टमाटो पेस्ट। सिंपल मैंने इसको टमाटर को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। साथ ही डाल देंगे प्याज, नमक, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन, साथ ही डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा देखिए, इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाले वगैरह नहीं डाले, और आप देखिएगा इसका टेस्ट ऐसा होगा कि आप भी कहेंगे कि वाकई ही ये बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई। आप एक बार ट्राई तो कीजिएगा। और ये आ जाएगा हल्दी। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, जिस बाउल में पाए थे उसी में मैं इसको थोड़ा पानी डाल रही हूँ। इस तरह के मैं 3 बाउल डालूंगी। पानी आपने इसमें ज़्यादा रखना, क्योंकि बाद में यही पानी शोरबे के तौर पे इस्तेमाल होगा। और ये हो गया तीसरा। 3 मैंने फुल भर भर के इसमें डाल दिए हैं, ताकि आपने पानी को इसलिए एक्स्ट्रा रखना है, शोरबे के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। अब आप इस स्टेज पे क्या करते हैं, अगर कुकर में बनाना चाहते हैं और जल्दी बनाना चाहते हैं, कुकर को बंद करके वेट दे दो, गल जाएंगे तकरीबन 1/2 घंटे में 1 घंटे में, डिपेंड करता है वो टाइम पे। लेकिन मैं इस तरह बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, वो जल्दी बनने वाले। हम इसको कवर करके रख देंगे, और अभी मैं चूल्हा जो है वो हाई फ्लेम पे रखूंगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जब ये थोड़ा सा ये बॉयल होने लगे। तो ये देखिए जी, पानी हमारा बॉयल होने लग गया। अब आपने क्या करना है, ये हाई फ्लेम था, अब हमने कर देना है मीडियम लो फ्लेम। मीडियम लो फ्लेम रखेंगी और इसको इसी तरह पकने दें, कवर कर दें, और इसको पकने दें आप तक जब तक कि ये गल ना जाए। तकरीबन 5-6 घंटे लगेंगे, इससे कम भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अब इसको आप इसी तरह देखते हैं, और साथ साथ आपने बीच बीच में इसको चेक करते रहना है कि गल गए या नहीं, या फिर आप इसको ऐसे भी देखते रहेंगे। फ्लेम हाई नहीं करिएगा, हाई फ्लेम से ये होगा पानी खुश्क हो जाएगा और पाए जो है वो गलेंगे नहीं। अब मैं इसको रख रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी हमारे पाए गल चुके हैं, ये देखिए बड़े ज़बरदस्त से ये गल चुके हैं। इसका शोरबा भी काफ़ी, बल्कि ये समझे कम्प्लीटली जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से पानी को अलग कर लूँगी और पाए अलग कर लूँगी, दोनों को अलग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम इसको भूनेंगे। जी देखिए मैंने पानी अलग कर लिया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3/4 कप ऑयल, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि पाए की चर्बी की वजह से भी इसमें खुद ब खुद ऑयल हो जाता है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अदरक। अदरक आप अपने हिसाब से डालिए जितना आप पसंद करते हैं, लेकिन अदरक इसके लिए बेस्ट होती है। अब मैं क्या करूँगी, इसको भूनूंगी। इसको आपने इतना भूनना है, बहुत ज़्यादा में ही नहीं भूनना, लेकिन इतना भूने इसमें से स्मेल भी ना आ जाए और घी जो है वो अलग हो जाए। जी ये देखिए मैंने पाए को 3 से 4 मिनट भूना है, और आपको नज़र आ रहा है घी जो है वो अलग हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें हम वो पानी डालेंगे जो हमने पानी को सेपरेट कर लिया था, तो वो सारा पानी इसमें शामिल कर दें। अब इसको आपने 3 से 4 बॉयल आएंगे, जैसे ही 3 से 4 बॉयल आएंगे तो शोरबा हमारा रेडी हो जाएगा और हम फिर इसको। तो ये देखिए जी हमने शोरबा इसमें डाल दिया है। अब बस फुल फ्लेम पे आपने क्या करना है, इसको जैसे ही 3 से 4 बॉयल आएंगे तो बस आप इसको स्टोव को ऑफ कर दें, क्योंकि शोरबा देखिए ऑलरेडी हमारा रेडी है, पूरी
कल 3 से 4 घंटों से ये पक रहा था, तो शोरबा तो रेडी है। अब इसी तरह इसको तो ये देखिए जी 3 से 4 मिनट इसको मैंने इस तरह फुल बॉयल आने दिया है, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये शोरबा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। जी जी देखिए जी मैंने डिश आउट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो पाए हैं वो तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत डिलीशियस बनते हैं यकीन कर। इसको नान के साथ खाएं तो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।